हाँ अगर बच्चे आपके हर तरह से इंटेलिजेंट है तो उसको राइटिंग स्किल से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइए हाँ घबराहट बेचैनी नींद की कमी के साथ एक परेशान आदमी हूँ डर के मारे मेरे सिर्फ पास आता नहीं है तो उसको गुस्सा क्यों ज्यादा है मेल में और मेल में कई बार डिस्प्यूट हो जाता है बेटे को हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ कि हमारे हर व्यवहार के ऊपर लोगों की नजर रहती है, आ, है। हाँ बताइए अपनी समस्या बताइए साहब बच्चे हैं हम्म के जी हां हां अगर बच्चे आपकी हर तरह से इंटेलिजेंट है तो उसको राइटिंग स्किल्स में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए हाँ घबराहट बेचैनी नींद की कमी के साथ हाँ, अगर लाइफ इन लाइफ प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूं अमित और आज हम जानेंगे शिक्षा के मायने इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर अजय प्रताप सिंह जी उन्हीं से इस बारे में चर्चा करेंगे अजय जी क्या लगता है शिक्षा के क्या मायने हैं अमित जी ये जो प्रश्न है ये हमारे लिए आपके लिए ज्वलंत भी है इसलिए ज्वलंत है क्योंकि पिछले पाँच सालों का यदि हम इतिहास उठा करके देखें तो जो मनुष्य जाति में जो फूल खिले हैं वो चारों तरफ से यही इशारा कर रहे हैं कि आज हमने उन क्षमताओं को अर्जित कर लिया है कि हम संपूर्ण मनुष्य जाति को नष्ट करने की कगार पे पहुंच चुके हैं तो ये बहुत आवश्यक है हम शिक्षा के वास्तविक माने को और मूल को एक बार फिर से तलाशें और जहाँ तक मेरा जो जाति तजुर्बा है एक लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाने के बाद और इस देश की और बाहर की शिक्षण व्यवस्थाओं को बहुत गहरे देखने के बाद यदि हमने ध्यान को अपनी पहली पीढ़ पीढ़ी या पहली सीढ़ी नहीं बनाया तो ये सारी शिक्षण व्यवस्था हमको आपको सिर्फ नर्क तक ही ले जाएगी निवेदन करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से इस देश के सभी शिक्षाविदों से कि ध्यान पर एक बहस और इसके लिए क्या हमें करना है और किस तरीके से ध्यान को हम अपने विश्वविद्यालय स्कूलों और समाज का हिस्सा बना सके एक प्रायोगिक रूप जी और एक जो अच्छी बात है कि आज हम विज्ञान और तकनीकी के युग में हैं और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को एक विधायक रूप से शिक्षा के इस आयाम को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है अजय जी आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा के जो बेहतर मूल्य हैं आप किन किन्हें मानते हैं देखिए जहाँ तक शिक्षा के बेहतर मूल्यों की बात है सबसे पहले हमें इस पीढ़ी को तैयार करना होगा कि वो जीवन की विभिन्न विषमताओं को अवशोषित कर सकें तो शिक्षा का जो पहला उद्देश्य होना चाहिए हमारी आपकी तैयारी और आज के जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं उनके लिए एक चिंता का कारण है कि आज हम पर आप पर जो एक जानकारी का दबाव और जो मानसिक दबाव है पहले की तुलना में चालीस गुना हो गया है लेकिन जहाँ तक इन विषमताओं को आ, अवशोषित करने की बात है उसमें हम पिछले मनुष्यों की तुलना में काफ़ी छीण होते चले गए हैं इसलिए आप देखेंगे कि आत्महत्या डिप्रेशन मानसिक अवसाद और जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती चली बढ़ती जा रही है आप देखेंगे ये घटनाएं बहुत ही त्वरित गति से बढ़ती जा रही हैं अजय जी क्या लगता है कि जो शिक्षा पहले की जो शिक्षा थी और जो आज की शिक्षा है उन दोनों में आप कितना अंतर पाते हैं क्या पहले की शिक्षा या आज की शिक्षा में बेटर कौन सी कह सकते हैं आप देखिए सर ये तो एक आ, आ, सापेक्षिक शब्द है हम जब भी चर्चा करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि बचपन ज़्यादा खूबसूरत था और जब बुढ़ापे में होते हैं तो कहते हैं जवानी खूबसूरत थी आज जब भी समाज में चर्चा चलती है तो हम कहते हैं पहले का समय ज़्यादा खूबसूरत था लेकिन मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कलयुग आ गया है हिन्दुओं से चर्चा करो तो कहते हैं कलयुग आ गया यानी हम पूरा समाज इस मानसिकता में जीता है कि अब जो कुछ होगा वो ही होगा जैनियों से पूछो तो कहते हैं पंचम काल आ गया मेरी बातों को अन्यथा नहीं लिया जाए लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से सतयुग तो अब आएगा अब हम और आप सक्षम हुए हैं कि चीज़ों को एक सही दिशा दें आज हमारे आपके पास संसाधन है आज हमारे आपके पास ऊर्जा है लेकिन ज़रूरी है कि हम पहले उस आयाम को खोज लें जिस पे बाकी सारे आयाम एक खूबसूरत ढंग से फलित होंगे और मैं बार बार जितनी देर भी मैं आपके साथ यहाँ पे समय बिताऊंगा मेरा इशारा सिर्फ एक ही तरफ रहेगा कि अगर हमने ध्यान को अपनी शिक्षा का प्रमुख आयाम नहीं बनाया तो ये सारे संसाधन ये सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी हाजी जी आजकल ये देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट होता है उस पर काफ़ी प्रेशर होता है मानसिक प्रेशर ज़्यादा रहता है पढ़ाई का और कहीं ना कहीं वो अवसाद में चले जाता है कभी कभी वो सुसाइड भी कर लेता है इस तरह की जो घटना है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है क्या लगता है कि इस तरह की जो घटना है उसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है शिक्षक जिम्मेदार है या स्टूडेंट ज़िम्मेदार है सर देखिए जहाँ तक जिम्मेदारी की बात करें तो ईमानदारी भरी बात यही होगी कि इस स्थिति के लिए हम सब मिल करके जिम्मेदार हैं, शिक्षक वर्ग जिम्मेदार है उतना ही माँ बाप जिम्मेदार हैं, उतना समाज जिम्मेदार है उतना ही नेता वर्ग जिम्मेदार है किसी वर्ग विशेष को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जरूरी बात यह है कि हमको आपको समझने की कि एक गुलाब को यदि प्रेरित किया जाता है कमल होने के लिए तो ये पूरा प्रयास ही व्यर्थ है क्योंकि गुलाब कमल हो ना सकेगा और कमल होने के प्रयास में जो वो गुलाब हो सकेगा वो अपनी नीति को भी विकृत कर बैठेगा तो हमको आपको मिल के हर सभी बच्चों को मदद करनी है कि वो उस दिशा में जाएं जो उनको अच्छा लगता है और हमारी चेतना जिस दिशा में प्रवाहित होती है वही हमारी हकीकत बनती है हम और आप अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करें और आज हम सक्षम हैं और बेहतर से बेहतर जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं हम बच्चों का विश्लेषण कर सकते हैं और उनके रुझान को हम देख करके उनको उसी विधा में प्रेरित कर सकते हैं और अगर हमने बच्चों के साथ जबरदस्ती की तो एक विकृत समाज को ही हम जन्म देंगे और चूंकि मैंने जैसा आपसे जिक्र किया एक लाख से अधिक बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं मैंने भी यही पाया है और मैं माँ बाप से भी निवेदन करूंगा कि सभी ज्ञान की विधाएं पवित्र हैं ऊंचाइयां सभी क्षेत्र में इंजीनियर बनना हो चाहे वकील बनना हो चाहे डॉक्टर बनना हो चाहे म्यूजिशियन बनना हो चाहे स्कल्पचर सवाल ये कि हम अपने बच्चों को वो चुनने दें जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है नहीं अंततः तो परिणाम निषेधात्मक ही होंगे हम सब दुखी होंगे अजय जी आप भी एक स्टूडेंट रहे हैं और आज आप टीचर हैं आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट और टीचर में से दोनों में से टफ काम कौन सा है देखिए सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं शब्दों में फेरबदल करना चाहूँगा और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने बच्चों को ये कहना भी चाहूँगा कि जिंदगी में छात्र होने की कोशिश मत करना शिष्य होने की कोशिश करना शिष्य का मतलब होता है जिसमें साहस होता है जी। और बच्चों और इस भारत की युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि छात्रों शिक्षकों को मत ढूंढना गुरुओं को तलाशना गुरु को तलाशना गुरु को हैं और ये जिम्मेदारी है हमारी आपकी पीढ़ी की कि हम अपने बच्चों के साथ निहायत ईमानदार हो जाएं। अगर हमने ये ईमानदारी नहीं बरती तो आज जितनी तरीके की समस्याएं हम और आप आपस में पाते हैं कि बच्चे हमारा आदर नहीं करते हैं मैं आपसे बार बार कहूँगा कि ये बच्चे हमसे बेहतर हैं ये अगली पीढ़ी हैं ये विज्ञान और तकनीकी के युग में पैदा हुए हैं हमसे अधिक जानते हैं कोई वजह नहीं कि आपका सम्मान ये क्यों करें लेकिन एक बच्चा अपने पिता का और अपने शिक्षक का सम्मान करेगा यदि वो बाद में पाता है कि नहीं मेरे पिताजी भले उन्हें मोबाइल या टीवी या लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलाना नहीं आता था लेकिन मेरे बाबा ईमानदार थे वो झुकेगा और सम्मान से भरेगा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो नई पीढ़ी है आज सबसे अच्छा पहलू है कि आज हमारे पास सब कुछ है जी। लेकिन आज हम सबको मिलकर के ये एक सामाजिक बहस हो सकती है हम बेहतर तरीकों को खोज सकते हैं लेकिन ये बात निश्चित तौर पे इन पांच हजार सालों में जो उभर करके आती है अब ध्यान के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है अन्यथा हम सब एक आ, इस धरती को नष्ट कर करने के कगार पर हैं अजय जी जो पहले की जो शिक्षा थी वो काफ़ी व्यवहारिक शिक्षा मानी जाती थी आज की जो शिक्षा है काफ़ी हाईटेक होती जा रही है स्टूडेंट जो है तरह तरह के कंप्यूटर हो या नेट का सहारा लेता है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो आज की शिक्षा है वो पहले की शिक्षा की कंपेयर में काफ़ी सरल हो चुकी है देखिए आज की शिक्षा की अपनी जटिलताएं हैं और सरलताएं भी हैं सरलता जैसा कि अमित जी आपने कहा है कि आज हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है और हम अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं तो इस लिहाज से तो निश्चित रूप से शिक्षा सरल हुई है और जैसा कि नासा के वैज्ञानिकों ने ये विश्लेषण दिया है कि जो चीज़ें हम देखते हैं उनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे सुनने की अपेक्षा दो लाख गुना अधिक होता है इस पर भी उनमें उनके बीच बहस चल रही है ये उन्हें तय करने दें ये बात तो तय है कि जो हम देखते हैं एनिमेशंस के थ्रू उसका प्रभाव हम पर बहुत अधिक होता है तो उस मामले में शिक्षा में ज़रूर क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं लेकिन दूसरी जटिलताएं जो बड़ी हैं वो ये है कि हम और आप लगभग एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पे लगभग इट इज एक जानकारी का विस्फोट है और इस जानकारी के विस्फोट को हम और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं समझने की बात तो दूर अवशोषित करने का हमारे आपके पास समय नहीं है नहीं। क्योंकि हमने मानसिक क्षमताओं को समांतर उन्नत नहीं किया है कि इस 40 गुना दबाव को हम अवशोषित कर सकें और एक नए तालमेल में प्रवेश कर सकें और ये नया तालमेल नहीं स्थापित होने की वजह से जो शिक्षक वर्ग में विद्यार्थी वर्ग में और लगभग समाज के सभी वर्ग में जो एक मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा है वो इसका कारण बन रहा है और अजय जी कभी कभी देखा है कि जो हाईटेक एजुकेशन जो होती है कहीं ना कहीं स्टूडेंट जब उसे जब उसमें जाता है या उसे पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो भटक भी जाता है कहीं नेट के -कही जो सोशल साइट्स है उसमें भटक जाता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो दिमाग रहता है वो जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है उसमें देखिए सर ये भटकने की संभावना हर युग में रही है हर समय में रही है और ये एक बड़ा विचित्र सवाल है हम और आप कहते हैं कि महावीर के अगर आप वचन सुने या गौतम बुद्ध के वचन सुने तो वो यही कहते थे चोरी मत करो पर स्त्री गमन मत करो झूठ मत बोलो तो आप मुझे बताइए ढाई हजार साल पहले ये समाज के किन लोगों से बातचीत कर रहे थे जी। समाज पहले भी उन्हीं तकलीफ़ों में था आज भी वही तकलीफें हैं आज हमारे आपके पास मीडिया है अखबार है संसार किसी कोने में घटी घटना चारों तरफ प्रचारित हो जाती है तो ये हमको आपको भ्रम में डालती है कि पहले का समय बेहतर था मैं आज भी कह रहा हूँ आज का समय पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर है सतयुग अब आएगा तो इसलिए इस समय की अपनी समस्याएं हैं और जहां तक इंटरनेट एक्सप्लोजन की बात है और एक जो स्वतंत्रता हमको आपको मिली है जरूरी है कि हम इन सब खतरनाक हथियारों को बच्चों के हाथ में दें इससे पहले उनको हम मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकें फिर आप देखें गलत हथियार भी उनके हाथ में उपयोगी हो जाएगा सही है अगर अपने पास अगर स्वस्थ दिमाग हो तो स्वस्थ शरीर होता है निश्चित तौर पर अगर बात करें अजय जी से कि जो शिक्षा होती है हमारी शिक्षा के जो आयाम है काफ़ी कहीं ना कहीं दुर्गामी हो चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो नेगेटिव थिंकिंग भी है वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है अमित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उसका कारण सिर्फ यही है कि आज हमारे समाज में और अगर अपन पूरे परिवेश परिवेश को देखें वसुधैव कुटुम्बगम की भांति तो हमारे आपके भीतर ये समझ नहीं उतरी है कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो इतनी तरक्की की है इसका हम अपने जीवन में कैसे विधायक उपयोग करें इनके निषेधात्मक पहलू भी हैं और इन सभी समस्याओं का हल सिर्फ एक ही तरफ है और आज नहीं कल हो सकता है शायद ये मेरी बात पचास साल बाद समझी समझी जाए लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ध्यान के अलावा अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है अजय जी आप हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहते हैं उन्हें क्या टिप्स देना चाहते हैं जहां तक दर्शकों की बात है और जो भी इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं और मेरा एक सपना है जो मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है मैं भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि भारत आने वाले दशकों में एक महाशक्ति के रूप में उभरे उसके लिए हमारे पास ये जो जनसंख्या है हम इस संसार की दूसरी बड़ी सबसे आबादी हैं और जैसा कि मैंने एक विश्लेषण के तहत जाना है कि आने वाले दस सालों में भारत की औसत उम्र 29 वर्ष होगी और अमेरिका की 60 वर्ष होगी और चीन की 48 वर्ष होगी तो आने वाला दशक भारत के लिए बहुत बड़ी संभावना हुआ है। ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार हो सकती है यदि हमने भारत की भावी युवा पीढ़ी को ध्यानस्थ किया तो ये जनसंख्या हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार होगी अजय जी ध्यान को कैसे समझा जा सकता है बेहतर ध्यान अगर किसी अगर अपन बात करें तो देखिए ध्यान एक शब्द ऐसा है जिसकी परिभाषा तो बहुत मुश्किल है लेकिन इशारे जरूर दिए जा सकते हैं ध्यान का मतलब हमें उन तरीकों में प्रवेश करना है जिससे हम अपनी मूल प्रकृति से परिचित हो सकें और ये जो उद्गम है ये जो हमारी भावनाएं, जो हमारे ऊपर घटित होती हैं इसके स्रोत से हम परिचय पा सकें यदि हम इसके स्रोत से परिचित हो सके जी। तो वो हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा और इसको हजारों माध्यम से जाना जा सकता है और एक बार फिर से मैं इस बात को कहना चाहूँगा हिंदुओं की एक बहुत पुरानी पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र जी और इस संसार में ध्यान अगर किसी कोने में विकसित हुआ है तो वो विज्ञान भैरव तंत्र का हिस्सा ही रहा है और इस किताब के किताब को मैं इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जोड़ देना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं इस किताब को देखें बहुत लोगों ने देखा है लेकिन शायद ये नाम जैसे रामायण गली गली में पहुंचा मैं चाहता हूं ये विज्ञान भैरव तंत्र क्योंकि अब सही समय आ गया है विज्ञान भैरव तंत्र मूलता हिंदुओं की एक पवित्र किताब है जिसमें शंकर और पार्वती जी के बीच संवाद है जी, पार्वती जी यही प्रश्न करती हैं कि भगवान सत्य क्या है ध्यान क्या है तो भगवान शंकर सीधा उत्तर ना देकर के वो पार्वती जी को ध्यान की 112 विधियां देते हैं वो कहते हैं कि देवी इन विधियों में प्रवेश कर जाओ तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और ये किताब ये चर्चा करती है कि 112 जो ध्यान की विधियां हैं इनमें से कुछ विधियां प्रासंगिक नहीं है क्योंकि इन विधियों के लिए मनुष्य नहीं है कुछ विधियां वर्तमान मनुष्य के लिए हैं और कुछ विधियां इसमें आने वाले मनुष्यों के लिए हैं हमको आपको मिलकर एक ऐसी प्रयोगशाला विकसित करनी है जहाँ पे हम और आप इन 112 ध्यान की विधियों के साथ प्रयोग कर सकें और अपने मूल स्रोत पे जा सकें और जो बचपन में हमने आपने कविता पढ़ी है अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमी पर इस को हम सत्य जी पाएं आपने खूब कहा ये ध्यान के बारे में जो निश्चित तौर पर जो आपने हमको जिस तरीके से समझाया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो परिवार की जो शिक्षा है और एक जो इंस्टीट्यूट की जो शिक्षा होती है वो कौन सी बेहतर होती है देखिए सर इंस्टीट्यूट की जो शिक्षा आज के संदर्भ में देखें तो वो सिर्फ एक जीव को पार्जन का साधन है वो हमारे आपके जीवन का एक अहम आयाम है लेकिन हम परिवार में जो शिक्षा पाते हैं वो हमारे जीवन के दूसरे आयाम के लिए बहुत जरूरी है दोनों एक दूसरे का पूरक हैं आज बच्चा आठ घंटे शिक्षण संस्थानों में व्यतीत करता है लगभग उतना ही समय अपने परिवार, परिवार और समाज तो हमें दोनों ही पहलू देखने हैं एक संपूर्ण शिक्षा को लेकर के चलना है क्योंकि जीवन भी हमें खूबसूरत ढंग से जीना है और साथ में जीव को पार्जन भी हमारी आपकी एक आवश्यकता है हमें एक घर चाहिए रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान हमारी मूल आवश्यकताएं हैं तो आज के जो ये शिक्षण संस्थान हैं यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन जो हो रही है वो सिर्फ इसी आयाम पर ही केंद्रित है ये दुर्भाग्यपूर्ण है अजय जी आपको नहीं लगता है कि जो शिक्षा हमारी है शिक्षा हमारी काफ़ी अच्छी है लेकिन आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट होते हैं काफ़ी उनका जो बैग रहता है काफ़ी लदावा होता है उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्या इस तरह की जो व्यवस्था है यह कम नहीं होना चाहिए नहीं सर ये हमारी कहते हैं मूर्खता का परिचय है मेरी बातों का अन्यथा नहीं लिया जाए क्योंकि इन बच्चों को इतना अधिक बोझ से लाद देना इसके बहुत दूरगामी परिणाम है जी जी। और यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस भी अब कहने लगी है यदि कंधों पे बोझ ज़्यादा है तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में बहुत गहरा पड़ता है आज अगर इन बच्चों के बैग का वजन देखें तो वो उनकी उम्र और उनकी जो शारीरिक क्षमता के हिसाब से वो कहीं भी किसी भी अनुपात में ठीक नहीं बैठता है और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सात आठ साल तक अगर हमारा बस चले तो इन बच्चों को कोई तथाकथित शैक्षणिक शिक्षा ना दी जाए इन बच्चों को चीखने चिल्लाने दिया जाए हमारी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। इन बच्चों के आसपास खड़े रहें जिससे इनके जीवन को खतरा नहीं हो इनके हाथ पैर टूटने दो इनके हाथ पैरों को चोट लगने दो लेकिन हमको आपको मिल करके वहाँ पर बस यही देखना है कि इनके जीवन को खतरा ना हो लेकिन अजय जी जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि जो अभिभावक होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर प्रेशर डालना ही पड़ता है कि आपको जो बोझ है वो आपको लादना ही पड़ेगा देखिए सर ये तो हमारी आपकी समझ है कि हम किन बच्चों को अंततः चाहते हैं अगर हमने ये बोझ लादना बंद नहीं किया और यही सिलसिला जारी रहा तो हम सिर्फ विकृत समाज को पैदा करेंगे और जहाँ तक धनोपार्जन की बात है उसके लिए आज ये अच्छी बात है कि पहले हिंदुस्तान में दो ही कैरियर होते थे इंजीनियर डॉक्टर लेकिन आज सभी व्यवसाय में और सभी क्षेत्र में अवसर उपलब्ध है और बच्चे अपने जो उनको अच्छा लगता है उसका चुनाव कर सकते हैं महत्वपूर्ण ये है कि हम कितना कमा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है हम जो कर रहे हैं क्या हम उसमें आनंदित हैं क्या मेरे जीवन में फूल खिले हैं एम आई आ डिंग सोल ये हमारी आपकी कसौटी होनी चाहिए अजय जी आप हमारे स्टूडियो में आए इसका बहुत बहुत धन्यवाद और जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को टिप्स दिए कि शिक्षा के मायने क्या हैं ध्यान के बारे में जो आपने समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगले एपिसोड में लाइफ इन लाइफ के एपिसोड में हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार तो डर के मारे मेरे से पास आता नहीं है तो उसको गुस्सा कर जाता है फ्रेंड मैं और मेरे में कई बार डिस्प्यूट हो जाता है बेटे को ऐसे परिवार से ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ कि हमारे हर व्यवहार के ऊपर लोगों की नजर रहती है हाँ बताइए अपनी समस्या बताइए साहब जी अगर हाँ, बच्चे आपके हर तरह से इंटेलिजेंट है तो उसको राइटिंग स्किल्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए। है हाँ घबराहट बेचैनी नींद की नी कमी के साथ एक परेशान आदमी हूँ डर के मारे मेरे से पास आता नहीं है तो गुस्सा कर जाता है मेरे में और मेरे में कई बार डिस्प्यूट हो जाता है बेटी से ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ हमारे हर व्यवहार के ऊपर लोगों की नजर रहती है, हाँ, अपनी समस्या है। टे टे। जी हाँ।, हाँ अगर बच्चे आपकी हर तरह से इंटेलिजेंट है तो उसको राइटिंग स्किल्स में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस घबराहट हाँ, बेचैनी नींद की कमी के साथ हाँ, अगर देखे 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 दे�